वेरी गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। इस समय मौसम चल रहा है शादियों के साथ साथ नेट की परीक्षा का। कल नेट की परीक्षा में मैं खुद बैठा था, उसमें डीआई का मैंने कुछ डिफरेंट पैटर्न पाया और मैथ्स के कुछ अच्छे सवाल, उनको आपके साथ साझा करना चाहेंगे। कल इवनिंग में 12 दिसंबर में जो परीक्षा हुई थी नेट में, जो कि ज्योग्राफी की थी, उसमें पेपर का पैटर्न कुछ ऐसा था, जो डीआई की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें कम से कम 8 से 10 सवाल दिए गए थे, अलग अलग विभाग दिए गए थे, उनका अलग अलग परसेंटेज दिया गया था और फिर उसमें पुरुष और महिलाओं का अनुपात दिया गया था। उस पर 8 क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे पहला प्रश्न यही था कि टोटल महिलाओं और पुरुषों का अंतर क्या होगा। हर विभाग में आपको टोटल महिलाएं निकालनी थी, टोटल पुरुष निकालने थे और उनका डिफरेंस पूछा गया था। सेकेंडरी बहुत इजी है, और कितने पहले क्या क्या पूछे गए बात करेंगे। फिर प्रश्न पूछा गया था, ऐसे कितने विभाग हैं जिसमें महिलाओं की संख्या 300 से ज्यादा है, 300 से मोर देन है। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था, परसेंटेज से लेकर पूछा गया था कि किन्हीं दो विभागों की कुल संख्या महिलाओं, किसी एक विभाग, मान लो मैथ्स में कुल कार्यरत महिला और पुरुष शिक्षकों की संख्या, अन्य दो विभाग केमिस्ट्री और हिंदी में कार्यरत महिलाओं की संख्या से कितने प्रतिशत कम या ज्यादा है। अर्थात प्रतिशत भी आया इसमें, कम ज्यादा भी आया, टोटलिंग भी आया। तो ऐसे सवालों को अधिकतर बच्चों ने, मैंने जो नोटिस किया, जो हमारे आसपास अन्य अभ्यर्थी क्वेश्चन कर रहे थे, उन्होंने इस क्वेश्चन को स्लिप कर दिया, छोड़ दिया, स्किप कर दिया, जबकि बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था। इसमें डीआई का सवाल है तो ऐसा रफ करिए कि दोबारा उसको आप रीड कर सकें। क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, कैसे आप लगाएंगे, मैं आपको समझा दे रहा हूं, बहुत कम शब्दों में देख लीजिए। उसमें एक संख्या दे दी गई थी, उसने बोला था कि फिजिक्स में इस सेक्शन में जो टोटल महिला पुरुषों की संख्या है वो है 448। वो कितना है बच्चों, 448 है। महिला और पुरुषों की कुल संख्या 14% है, अर्थात अगर आप देखना चाहें 14% इज इक्वल टू 448। तो इससे आपको टोटल संख्या निकल सकती है। कैसे निकलेगी, 1% निकालिए तो ये हो गया 448/14। इसको सॉल्व आउट कर लीजिए, वन परसेंट इज इक्वल टू 32, सो 100% इज इक्वल टू 3200। ये आपका इजली निकल आया, टोटल संख्या हमने कहा इसकी निकाली 14%। अब इस 3200 को, ये टोटल संख्या है किसकी, महिलाओं की और पुरुषों की, यहां का टोटल निकल आया। अब ये जो 14% दिया गया था 448, इसको आपको दो रेशियो में बांटना था। किस रेशियो में, 9:5। 9 किसका अनुपात था, पुरुषों का, और 5 किसका रेशियो था, महिलाओं का। इसको आप इजीली बांट सकते हैं 448 को 9:5 में। कैसे बांटेंगे देखिएगा, ये दे रखा 448, ये फिजिक्स में संख्या दे रखी थी 448 की, फिजिक्स में महिला और पुरुषों की कुल संख्या 448 है, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। अब इसका रेशियो क्या है, 9:5 है, तो इसको आपको डिवाइड करना है 9:5 में। अब ये चैप्टर लगेगा आपका अनुपात, अनुपात और समानुपात, एक अनुपात का मान निकालिए, 9 and 5 14 होता है, तो 448/14 से डिवाइड करिए, 14 32 आ गया, ये 32 आ गया 1:1 का मान। अब ये मेल है और ये फीमेल है, मेल का रेशियो 9 है, फीमेल का रेशियो 5 है, मेल का 9 है, 1:1 का मान कितना है बच्चों, 32 आया है, तो 9:1 का मान आप निकाल सकते हैं, 9 2 18 9 3 27 28 288 आ गया। इसी तरह आप महिलाओं की संख्या निकाल सकते हैं 5 से मल्टीप्लाई करके, 5 2 10 5 3
ये हो गया 160, ये हो गए पुरुष और ये हो गई आपकी महिलाएं। इसी पैटर्न पे आप इस पूरे ब्लॉक में हर विभाग में जाएंगे, केमिस्ट्री जाएंगे, फिजिक्स जाएंगे, हिंदी जाएंगे, जो विभाग है वहां अलग अलग महिलाओं की संख्या, अलग अलग पुरुषों की संख्या निकाल के यहां नोट डाउन कर लीजिए, यहां नोट डाउन कर लीजिए, और उसी डेटा पे जितने भी 8 से 10 सवाल आए आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो ये पैटर्न एक समझ लीजिए कैसे लगेगा, पूरा पूरा सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। फिर से देखिए, जो भी दिया गया परसेंटेज 10%, 15%, 20%, उसकी संख्या को रेशियो में बांट दीजिए, और रेशियो में बांटने के लिए आपको मैथ का टॉपिक जानना पड़ेगा, रेशियो। एक रेशियो का मान, रेशियो नहीं क्लियर है तो जाइए मेरे वीडियोस पे और टॉपिक पढ़िए रेशियो, कैसे रेशियो में चीजें निकलती हैं। और फिर एक सवाल पूछा गया था परसेंटेज का, क्या सवाल था, मैंने भी रिपीट भी किया, फिर से बता दे रहा हूं कि इस विभाग में टोटल कार्यरत शिक्षक, टोटल कार्यरत शिक्षक में महिला पुरुष दोनों आ जाएंगे की संख्या, इन दो विभागों में कार्यरत, किन्हीं दो विभागों में कार्यरत महिला शिक्षकों से कितने प्रतिशत कम है। तो इनकी महिला महिला संख्या निकाल लीजिए, इन विभागों में कितने प्रतिशत कम या ज्यादा, फॉर्मूला लगाइए, प्रतिशत कम ज्यादा निकल आएगा। तो ये एक पैटर्न था रीजनिंग का। अगला प्रश्न देखिए कौन सा आया था, जो बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न कुछ इस पे आया था, स्कूल का टोटल लुक दे रखा था, कॉलेज का पूछा गया था, बहुत आसान है। ए बी सी डी लिखिए, ए बी पूरा लिख डालिए और इनकी नंबरिंग रैंकिंग कर दीजिए 1, 2, 3, सबको जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो कॉमन रीजनिंग है, इसको सब जानते हैं, कोडिंग एंड डिकोडिंग पे जाएंगे आपको टॉपिक मिल जाएगा। एक हिंट दिया गया था, इसका योगफल 80 दिया गया था और इसका पूछा गया था, कॉलेज का पूछा गया था, बहुत इजीली निकल आएगा, बहुत टफ नहीं था। अगला प्रश्न देखते कौन, एक प्रश्न आपका रीजनिंग का आया था, स्क्रीन पे सेम सवाल मैंने कॉपी कर दिया है जो कल की परीक्षा में आया था। -7, -5, -1, 7, 23 एंड नेक्स्ट सीरीज है, पकड़ लीजिए, देखिएगा इन दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है, कैसे बढ़ रहा है, +2 माइनस, अगर इसे +2 करेंगे -5 आ जाएगा, ये फिर 2, 2 जा 4 बढ़ा है तो 1 आएगा, 4, 2 जा 8 करिए 7 आ जाएगा, 8, 2 जा 16 करिए ये आ जाएगा, और 16, 2 जा 32, अर्थात ये ट्वाइस होता हुआ बढ़ता हुआ चला जा रहा है, पहले 2 बढ़ा, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32। तो नेक्स्ट सीरीज आप निकालेंगे तो दोस्तों ये आंसर आएगा 55। ये प्रश्न कल की परीक्षा में आया था जो कि सीरीज का है। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न फिर अनुपात का था, दो संख्याओं का अनुपात 7:3 है, यदि प्रत्येक में एक जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 2:1 हो जाता है। तो एक जोड़ने के बाद जो नई संख्या बनेगी उसका योग क्या होगा, बहुत आसान था, ऑप्शन इस सवाल को आप लगाइए, बहुत जल्दी हो जाएगा। देख लीजिए, 7 और 3 10 हुआ, 10:20, तो 1:2 हो जाएगा उनका योगफल। मैंने इसको ऑप्शन से उठाया था, 7 and 3 10 हुआ, 10 ही 20 वहां पर ऑप्शन था 20, 10, 15 एंड एक और था, तो मैंने 20 ऑप्शन उठाया था और 20 पे मैंने हिंट अप्लाई कर दी। 7, 3, 10, 10, 19, 20 एक रेशियो का मान 2 आया, जैसे एक बढ़ाएंगे तो 7 का हो जाएगा 8, 3 का हो जाएगा 4 और रेशियो बन जाएगा 2:1 जैसा उसने कहा था। तो सीधे सीधे ऑप्शन था कि उनका, उन संख्याओं का जो नई संख्याएं बनेंगी एक बढ़ाने के बाद उनका योगफल क्या होगा, तो उनका योगफल होगा 20 होगा। अगले वीडियोस में कुछ और सवाल लेंगे जो मैथ में पूछे गए थे, प्रतिशत के सवाल थे, बहुत अच्छे सवाल थे। मैं सतीश, टीम सुपर 33, मैथ्स और रीजनिंग में अच्छी पकड़ के ट्रिकी जानने के लिए लगातार मेरे साथ लगे रहें, चैनल को लाइक करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें, नेट की अगली तैयारी के लिए लगातार टच पे बने रहें। जय हिंद, जय भारत।